हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम बनाएंगे उत्पम। उत्पम बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी उत्पम का ये एक कटोरी मैंने बैटर ले लिया। इसमें इतना ही पानी डालेंगे। ये मैंने जितना बैटर लिया है इतना ही पानी ले लिया। इसमें इसी कटोरी से आधा कटोरी खट्टा दही लेना है। ये फुल कटोरी है लेकिन मेरे को हाफ लेना है, तो मैंने ये आधा कटोरी दही डाल दिया। इसको एकदम बढ़िया से जब तक इसमें लम्स रहे हमें इसको मिक्स कर लेना है। मैंने एकदम बढ़िया सा बैटर बना के तैयार कर लिया। अभी इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। मैंने उत्पम पे डालने के लिए थोड़ी वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें एक मोटी हरी मिर्च है, दो गाजर, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक प्याज। ये मिर्च है, मिर्ची में से हमें बीज में से कट करके इसमें से बीज निकाल देने हैं और इनको बारीक बारीक कट कर लेना है। ये मैंने सारी चीज़ों को कट कर लिया। ये टमाटर, इसके बीज निकाल दिए मैंने, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्ची और ये प्याज, ये सब मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। बैटर को आधा घंटा हो चुका। ये मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया, इस पर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो और इसको चारों तरफ फैला लेना है। पैन हमारा गरम हो चुका, अभी इस पे डालेंगे बैटर। साथ में डालेंगे इस पे ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट, टोमेटो। अभी इसको हल्का रेश करना है। ताकि ये पलटते टाइम निकले ना। अभी इस पे डालेंगे हम पिज्जा मसाला। नाइफ से देखना है कि चारों तरफ से हट रहा है, इसका मतलब हमारा
उत्पम नीचे से पक गया। अभी इसको पलट देंगे। दो मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये हमारा उत्पम बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये मेरी उत्पम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ये हमारा उत्पम बनके बिल्कुल रेडी है। इसको आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो और कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हो।